अपने जन सुराज यात्रा की शुरुआत करने प्रशांत किशोर देर शाम हाजीपुर पहुंच गए। अपने यात्रा की शुरुआत से पहले हाजीपुर में प्रशांत किशोर ने चौपाल लगाई, जिससे प्रशांत किशोर से मिलने सुनने जिले के अलग अलग जगहों से समर्थकों का हुजूम इकट्ठा दिखा। बिहार में नए राजनीतिक विकल्प को लेकर उतरे प्रशांत किशोर ने लोगों से स्वांत किया और बिहार को लेकर अपने विजन लोगों को बताते दिखे। मेरी समझ ऐसी है कि अगर बिहार को बदलना है, बिहार की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को साथ में जोड़कर एक साथ मंच पर लाकर उनके सामूहिक प्रयास से ही संभव है। और आने वाले जो 10-15 महीने हैं, एक साल का समय है कम से कम, उसमें मेरा पूरा प्रयास सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर है कि मैं समाज में जितने व्यक्तियों से मिल सकता हूँ उनसे मिलूँ, उनसे उनकी बात समझूं, बिहार के जमीनी स्तर पर उतरकर यहाँ के समस्याओं और उसके पॉसिबल समाधान के विषय में जान सकूं। इसके बाद साल भर की जब हम पदयात्रा करेंगे, इन लोगों से मिल लेंगे, उनका इनपुट ले लेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बिहार के समस्याओं के जो 15 महत्वपूर्ण विषय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, हर विषय पर एक 10-15 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के सामने रखेंगे। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये भी बताएंगे कि वो 10 लाख नौकरी देंगे कैसे, वो रोजगार कैसे दिया जाएगा। ये नहीं बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था सुधार दिया जाएगा, ये भी बताएंगे कि उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारा कैसे जाएगा। उस ड्राफ्ट को पब्लिक के सामने रखेंगे ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो अपने सुझाव से, अपने इनपुट से उसमें कुछ योगदान करना चाहता है, अपनी बात बताना चाहता है, उस बात को समाहित किया जाए। और अगले साल जब तक मैं पदयात्रा खत्म करूंगा तो ये पूरा ब्लूप्रिंट पब्लिक के डोमेन में रखेंगे और 3-4 महीने तक जनता का एक बार फिर से सब इनपुट लेने के बाद एक फाइनल विजन जो है या जो ब्लूप्रिंट है बिहार के आगे 10-15 साल का, उसको जनता के बीच में रखेंगे। पीके ने कहा कि नए राजनीतिक व्यवस्था के आंदोलन की लोकतंत्र की भूमि वैशाली से बेहतर कोई जगह नहीं। हाजीपुर पहुंचते ही प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति की नई शुरुआत की पूरा पिक्चर दिखाया। आने वाले 10-15 महीने में पद यात्रा कर समाज के लोगों से मिलने का मिशन बिहार के लोगों ने कहा तो लोगों से मिल नए राजनीतिक विकल्प को तैयार करूंगा। बिहार को सुधारने के लिए अगले 15 साल का ब्लू प्रिंट तैयार कर बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा। 90 से यहाँ लालू जी की सरकार आई, राजनीतिक स्थिरता आई, लेकिन उनका एजेंडा सामाजिक न्याय का था। जो उन्होंने दावा किया, मैं उस दावे को मान लेता हूँ कि भाई लालू जी की सरकार में सामाजिक न्याय के दिशा में काम हुआ, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आवाज़ मिली, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि जो आर्थिक विकास था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसको लेकर जो बिहार में हुआ वो भी आपके और हमारे सामने है। उसके बाद से 15 साल से नीतीश जी का शासन है, नीतीश जी के शासन में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन मैं तो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस 30 साल के सामाजिक न्याय 15 साल और उसके बाद नीतीश जी का 15 साल न्याय के संग विकास के शासन के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार में है, सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले जो लोग हैं वो बिहार से हैं। तो बिहार के समाज में, बिहार में लोगों के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो जज्बा है जिससे कि बिहार को सुधारा जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनके साथ उनको तैयार किया जाए कि साहब आप एक साथ आइए, एक मंच पर आइए और बिहार को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल संभव है कि बिहार में 1975 के बाद से कोई भी बड़ा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन या प्रयास नहीं हुआ है। यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश है उसमें एक तरह की जड़ता आ गई है, उसमें नए लोगों का की आमद रुक गई है। नया आज कोई व्यक्ति जो समाज में अच्छा सोचता है या अच्छा करने की क्षमता रखता है उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ करने का मौका ही नहीं है। यही तो वजह है कि आप देखिए
पिछले 30 साल से 1000-1200 परिवारों के पास ही सारी सत्ता है। जिस विधायक से आप नाराज हो जाते हैं, जनता नाराज हो जाती है, उसको हटा देते हैं, फिर जिसको चुन कर लाते हैं वो वही विधायक था जिसको 10 वर्ष पहले आपने गुस्से में हटाया था। कोई नया व्यक्ति आता ही नहीं है, इसी वजह से ये परेशानी है। तो अगर आप एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग राजनीतिक व्यवस्था से लड़ाई है, जिसमें सामान्य लोगों को जगह नहीं मिल रही है। मैंने वो जो काम पहले किया, मैंने जैसे आपको बताया, वो काम छोड़ दिया। अब जीवन के 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए लगाना चाहते हैं कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो जिसमें बिहार के सही लोग भागीदार हों और वो मिलकर सामूहिक तौर पर बिहार। प्रशांत किशोर ने लालू को सामाजिक न्याय का मसीहा और नीतीश के विकास मॉडल की सराहना तो की, साथ में बिहार की बदहाली के लिए लालू नीतीश की नाकामियां गिनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।